क्या समस्या है और आपने कौन से अधिकारियों को रजूआत की है मार्केट के बाबत? मेरा नाम संतोष मौर्य है, मैं पांडेसरा सागवाजी मार्केट में धंधा करता हूं और हमने यहाँ साहब के पास रजूआत किया, मैंने आवेदन दिया है, करीब आज 20 से 25 दिन हो गया, अभी तक कोई निकाल नहीं आया। आज 3 दिन पहले हमने आया था साहब से मिलने के लिए, कमिश्नर साहब से तो नहीं मिलने दिया गया, जो जूनियर अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने वार्ड में ही जाके मिल जाएगा। वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं जोन ऑफिसर साहब जाने, और फिर वहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं कमिश्नर साहब के पास जाओ, कमिश्नर साहब के पास अगर संदेश जाता है तो बोलते हैं जोन ऑफिस वाला जाने। मतलब ऐसा तरह तरह के हम भटक रहे हैं, कभी हम जाते हैं अपने कारपोरेटर के पास, कहीं किसी मतलब 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा करके हम लोग को दौड़ाया जाता है, लेकिन सही रिपोर्ट नहीं मिलती। अगर हमको लोग को रिपोर्ट मिल जाए कि 20 दिन बाद मार्केट चालू होगा तो भी हम लोग कन्फर्म हो जाए। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को घर में खाने का नहीं है, भाड़े के रूम है, 3,000 रुपये लगभग महीने का भाड़ा है, लाइट बिल है, गैस बिल है और राशन पानी की भी समस्या है। हम लोग किराना वाला ने राशन देना बंद कर दिया, हम लोग आखिर भूखे मर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ रुपये निकाल होना चाहिए। हमारे मार्केट में लगभग 450 से 400 दुकानें हैं, हम लोगों ने एक दुकान छोड़कर एक दुकान चालू करने का भी रजूआत किया है। मार्केट के गेट पर हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, उसके बाद भी हमारा निवेदन है कि जो भी महानगर पालिका से गाइडलाइन आएगी उसको हम फॉलो करेंगे और 400 दुकानों की जगह हमें 200 दुकानें ही चालू करवा दी जाए, लेकिन चालू करवा दी जाए। कम से कम एक व्यापारी हमारा धंधा करेगा तो दूसरा बंद करेगा, ऐसा करके हम अपना सेटिंग करेंगे। एक दिन वो धंधा करेगा, एक दूसरा धंधा करेगा, एक दुकान छोड़कर एक दुकान हम चालू करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग आज वो जॉन ऑफिस में आके रजूआत करने में आए और साहब ने मिले आप साहब से? साहब से तो अभी मुलाकात नहीं, साहब से हुआ कि अभी 1 घंटे बाद साहब आएंगे, ऐसा करके 1-1 घंटा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, अभी तक तो नहीं आए हैं साहब। तो अभी किसी से हमने सूचना मिले साहब छुट्टी पे हैं, कोई मतलब स्पष्ट जानकारी यहाँ पे नहीं मिल रही है साहब हैं कि नहीं। कितने लोग आपके साथ आए हुए? करीब 100 लोग करीब आए हैं अभी ज्ञापन देने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट चालू की जाए, जो भी नियम कानून मतलब हमारे महानगर पालिका से दिया जाएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। आप सुबह कितने बजे से आए हो यहाँ पे? सुबह में करीब 9:30 से 10 बजे तक पहुँच गए थे हम लोग यहाँ। 9:30 बजे से आए, अभी तक साहब इधर आए नहीं? अभी साहब को नहीं आए, कोई स्पष्ट जानकारी मिल जाए कि हमें 1 हफ्ते बाद चालू होगा, 10 दिन बाद चालू होगा या 6 महीना बाद चालू हो जाए, मेरे को एक नोटिस लगा के दे दें, हम लोग बार बार परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग गाँव भी नहीं गए, गाँव भी जाना चाहते तो गाँव नहीं जा पाए, कि गाँव जाएंगे ना 2 दिन बाद चालू होगा, 4 दिन बाद चालू होगा, लेकिन आशा कर करके थक गए, बल्कि उल्टा कर्जे में चले गए। गांव चले जाते तो हमारा कर्जा नहीं होता, जो हम कर्जा हो रहा है हमारे पास वो खाने के लिए हम गांव चले जाते तो कोई रोजी रोटी हम अपना कमाते खाते। मारू नाम मीनाक्षी देवी जयवर्धन भाई भगत है, मैं रुद्रपुरा निवासी छे, छत्रपति शिवाजी मार्केट पांडेसरा थी बोलूँ छू। अमारी मार्केट 2.5 महीना थी बंद है, अमारे कोई सुनतू नहीं ने कोई करतु नहीं, अमे 2.5 महीना थी घरे बैसा से, अमने कोई पूछत नहीं, अमारी कोई कार्यवाही चालू करता नहीं, हमें अमारे करवू तो शू करूँ, અમારે ગમે કોઈ જોતું નથી, અહીંયા આવે તો તા મોકલે છે, મોકલીસરા જાય તો અહીંયા મોકલે છે, અહીંયાથી જાય તા પાંડેસરા મોકલે છે, હવે અમે શું કરીએ, કોના પાસે જઈએ? કયા સાહેબને રજૂઆત કરી તમે? અમારે યાદવ દુબે સાહેબને મળવું છે બસ, અત્યારે કઈ જગ્યાએ? અમે તો કાલે કમિશનરના ઓફિસમાં હું જઈને આવી છે, દાદી કીધું કે દુબે સાહેબને મળો, તો દુબે સાહેબ હજુ અમને મળ્યા નથી, અમે આવીને બધા માર્કેટવાળા ઊભા છે, હજુ દુબે સાહેબને કઈ જગ્યાએ મળવા આવેલા? અમને અહીંયા આજે અમને અહીંયા કીધું છે કે તમે અહીંયા ઝોનમાં કાલે મેં અહીંયા કે ખાલી ગયા છો, અમે તમારી માંગ પૂરી ન થાય તો તમે શું કરશો? શું કરું? અમે કુછ ભી કરું, અમે બેસી જવાના છે, બેસું તો જાઉં રોજ નારા લગાવું, મને અમારો માર્કેટ ચાલુ જોઈએ, અમને क्या समस्या है? हम सोनी बेन, हम छत्रपति शिवाजी मार्केट में साग भाजी का धंधा करते हैं सब,
आज 30 साल से हम लोग धंधा करते हैं। अगले 3 महीने से हम लोगों को बोला गया कि भाई तुम्हारा कोरोना के वजह से मार्केट बंद कराओ, हम लोगों ने बंद किया सब। अभी मजबूरी ऐसी हो गई है साहब कि हमारे घर में खाने का पीने का कुछ नहीं है। अभी हमारे बाल बच्चा ना हमारा लड़का है ना हमारा आदमी है, कोई नहीं है सब। हमारे को खाने का इतनी समस्या है, बच्चों को पढ़ाना है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, खाली 4 लड़की है, मेरे को लड़का नहीं है। हमको हमारा मार्केट का खुलवाने का कोशिश करें। हम लोग साहब के पास आते हैं सुबह शाम दोपहर आते हैं, साहब हमारी कोई फरियाद लेता नहीं है। अभी हम आगे क्या करें, हमको कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमको लाइफ लाइन दे तो हम आगे काम कर सके। अधिकारियों को रजुआत करें। हम इधर दुबे साहब को मिलने आए, हम तो पहचानते भी नहीं है कि दुबे साहब कौन है, कौन सी जगह पे आए। हम साउथ जोन उतना में आए हुए हैं, हमको बोला गया पांडेसरा से बोला गया कि साउथ जोन उतना में जाओ, हम साउथ जोन उतना में आए, मगर यहाँ हमारी कोई फरियाद लेता नहीं है। बोलते हैं 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 12 बजने की तैयारी हो गया सब। हम कहाँ जाए, कल हम मुगली सराय भी गए थे कमिश्नर के पास, कमिश्नर बोलते हैं कि यहाँ साउथ जोन में जाओ। अभी हम साउथ जोन में आए, हमारी यहाँ कोई फरियाद लेता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग कटोरा लेके मांगेंगे तो हमको कोई भीख भी नहीं देगा। अभी हम लोग करें क्या साहब, जब मांग पूरी नहीं होगी तो आगे आप क्या करेंगे। अभी हमारी मांग पूरे नहीं होएगी तो साहब हम क्या करेंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। हम गरीब औरत है, हमारा कोई सुनाई नहीं करेगा, हम विधवा औरतें हैं, हम जाएं तो जाएगा। आज यहाँ पे लड़का है, जिसका आदमी है वो कमा के खिला रहा है, हम औरत कहाँ जाएंगे। आवेदन देने के लिए कितने दिन आए हो? देने के लिए 2-4 बार हम लोगों ने पर्ची भी दिया, अर्जी भी किया, लेकिन हमारा कोई निरोध आता ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है उसका।